नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक सुनिवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.7 पाठ का नाम मेरी किताब के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस पाठ को इस नवाचार के साथ सम्मिलित करके किस प्रकार से हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं 1 शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज्यादा विद्यार्थी हैं तो आप अपनी संख्या के हिसाब से समय को निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि इस गतिविधि में नवाचार स्वयं निर्मित प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ की अधिगम प्रक्रिया को दोहराना है, ताकि विद्यार्थी कठिन परिश्रम से प्रश्न तैयार कर सकें जो दूसरों से अलग हो एवं उस प्रश्नों के उत्तर को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। अब हम बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया की एवं इसके क्रियान्वयन की कि किस प्रकार से हम इसको कक्षा में क्रियान्वयन करेंगे। तो इसके लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कुछ निर्देश देना बहुत ज़्यादा जरूरी है एवं यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो एवं इसका निर्माण भी कर लिया गया। अब बात करेंगे कि शिक्षक के निर्देश की, तो वह निर्देश इस प्रकार होंगे कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षक कुछ ग्रुप या कुछ समूहों में विभाजित कर देंगे। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो इसमें लगभग 4 का एक समूह बनाएंगे, यानी 7 समूहों में इस सभी विद्यार्थियों को विभाजित कर देंगे एवं सभी समूहों में से एक कक्षा का जो इस समूह का जो प्रतिनिधि है वह भी चुन लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम हम लेकर चलेंगे, वह है कि विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द एवं वचन, यानी इन संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द एवं वचन के कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी तैयार कर सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि विद्यार्थियों को यह बता दिया जा चुका है कि सभी प्रकार के नियम किस प्रकार से उनको क्या करना है। जैसे ही वे समूह में विभाजित कर देते हैं, हर समूह का एक प्रतिनिधि भी बना दिया जा चुका होता है। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी अपनी कॉपी या पेज पे या पेपर में प्रश्न बनाना शुरू करें। जैसे ही वह प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि है वह सभी प्रश्नों को मिलाकर के एक प्रश्न बैंक तैयार कर लेता है। उस प्रश्न बैंक तैयार प्रश्न बैंक को शिक्षक सभी समूहों में आदान प्रदान करने के लिए आदेश देते हैं। तो जैसे ही सभी प्रश्न बैंकों का आदान प्रदान कर दिया जाता है तो जिस समूह को जो भी प्रश्न बैंक मिलता है उस प्रश्न बैंक को हल करने के लिए भी बोल दिया जाता है। सभी विद्यार्थी मिलकर समूह के साथ उस प्रश्न बैंक को हल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद शिक्षक सभी प्रश्न बैंकों को लेकर जो पुनरावृत्ति वाले प्रश्न होते हैं, मिलते जुलते प्रश्न होते हैं, उन सभी को हटा दिया जाता है एवं सभी प्रश्नों को मिला करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लिया जाता है एवं सभी विद्यार्थियों की कॉपी में वह प्रश्नों को अंकित करवा दिया जाता है, ताकि वह परीक्षा की दृष्टि से भी उनके लिए लाभकारी हो एवं उनको लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी हो। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों का मिला करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एवं किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उस पाठ में से नहीं बचता है। तो यह इस प्रश्न बैंक नवाचार करने का बहुत बड़ा फायदा भी होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं उदाहरण के साथ कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं इस प्रश्न बैंक की पूरी प्रक्रिया में, उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है, एक बच्चे ने प्रश्न लिखा कि बच्ची का नाम क्या था, तो उत्तर आ जाएगा इसका वीरू। इसी प्रकार से वीरू क्या लेकर अपनी मौसी के घर गई, इसका नाम है संदेश। उसी प्रकार मौसी वीरू को कहाँ ले गई, बैठक में। मौसी के बैठक में ऊपर से नीचे तक की दो दीवारों में क्या भरी थी, किताबें। इसी प्रकार से वीरू को मिली दूसरी किताब कैसी थी, बड़ी। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हो सकते हैं जो कि इस प्रश्न बैंक में सम्मिलित हो सकते हैं इस पाठ में से, और विद्यार्थी बड़े ही उत्सुक तरीके से इस पाठ में सम्मिलित होकर के प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको आप अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं ZIIAI YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के मनोरंजक एवं नवाचारी वीडियो आप तक पहुंच सके।
इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी भी इस वीडियो पर तक पहुंच सकें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इस नवाचार को क्रियान्वयन कर सकें। इसी के साथ मैं आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।